गांव वाले उम्मीद कर रहे हैं कि अब तक नहर शुरू हो चुकी होगी, लेकिन हम केस हार गए। आखिर बात क्या है? आप परेशान मत होइए सर, हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे। कोई जरूरत नहीं है, वहाँ भी बादशाह ही जीतेगा, हम तबाह हो जाएंगे। अब तक क्या हुआ? पिछले 20 सालों से कोर्ट के चक्कर काट काट कर थक गए हैं हम। तुम जाओ यहाँ से। लेकिन सर, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। प्लीज जाइए। नायडू जी, ग्रह और सितारों की चाल बता रही है कि हमारा समय खराब चल रहा मतलब? है। मतलब राहु केतु इस घर में प्रवेश करने के लिए बेताब है, सुनामी और भूकंप से भी खतरनाक है। दोनों एक बार टिक गए तो इन्हें निकालना असंभव है। नायडू साहब, तो क्या करें? घर में इनकी एंट्री रोकने के लिए ग्रह शांति की पूजा करानी होगी। सुनिए जी, पंडित जी का कहना बिल्कुल सही है। ठीक है, जो करना है करो। शुभम, ये हो तो ही सबके भाग खुल जाएंगे और मुझे 1,00,000 दक्षिणा भी मिलेगी। मैनेजर कबाड़ी राजू कहाँ है? आहा, वाह किशन कन्हैया, मैं आपका दीवाना हूँ। मैंने गलत बोल दिया, दीवाना नंबर 1 हूँ। भाई वाह, क्या एक्टर हैं आप, एक लाजवाब फैक्टर हैं आप। ए, तूने देखा है टीवी पर आते हैं ये? आपकी टीवी पर आते हैं, मेरे टीवी पर नहीं। टीवी तेरा हो या मेरा हो, ऐरा हो या गैरा हो, या अपना पराया भेद नहीं करते, सभी पर दर्शन देते हैं। इनकी मूछें कैसी है कोई पूछे, लड़कियों के सपनों में आती है इनकी मूछें। ए फेकुचंद, मालिक बुला रहे हैं। बापरे, मालिक आपने बुलाया? देखो मैनेजर, पंडित जी का कहना है कि घर को पवित्र करने के लिए पूजा का आयोजन होना चाहिए, वो पूजा हम पंडित जी से कराएंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है? इनके मुंह से इतनी बदबू आ रही है, ये क्या घर पवित्र करेंगे? कर पाएंगे आप? बिल्कुल कर पाऊंगा, अगर तुम शेर ना मांगो तो। मैं घर में खड़ा हूँ, जू में नहीं, जो शेर मांगूंगा। मैनेजर साहब, आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, मैंने कई पूजाएं कराई हैं। बिल्कुल झूठ, पूजा में जाकर सिर्फ लड्डू खाते हैं, मंत्र कहाँ आते हैं। मालिक, सच्चे ब्राह्मण को बुलाइए, शास्त्र मंत्र जानने वाला और मन से पवित्र। ऐसा ब्राह्मण कहाँ मिलेगा? मैं ले आऊंगा, मैंने आपका नमक खाया है मालिक, अपने घर की भलाई के लिए चांद पर से भी महापंडित ढूंढ लाऊंगा। रड़ी गई का। ठीक है, तो ये जिम्मेदारी भी तुम्हारी, मैं चलता हूँ। बहुत जल्द बिना दक्षिणा मैं तेरा स्वाहा कर दूंगा। हेलो, मैं नरसिम्हा नायडू जी का मैनेजर बोल रहा हूँ, कबाड़ी राजू नाम है मेरा। तो मैं क्या करूँ, नाचू? तुम बस काम बोलो। नहीं, नाचना नहीं है, नायडू जी के घर बड़ी पूजा करवानी है। ओहो, मैं तो इस वक्त नेपाल में हूँ, अब क्या करें? नेपाली खुद यहाँ स्वेटर बेचने आते हैं, आप क्यों उनकी टोपी बेचने वहाँ गए हो? टोपी तो मैंने पहन ली, नेपाल को पवित्र करने आया हूँ। नेपाल के राजा ने यहाँ खुद मुझे फोन करके बुलाया है। अरे रे, हो गया बेड़ा गर्क, तो फिर पूजा कौन करेगा? पूजा की चिंता तुम व्यर्थ ही कर रहे हो, मेरा पुत्र कृष्ण शास्त्री पूजा कर देगा, बस तुम उसे 1,00,000 की दक्षिणा दे देना, काम हो जाएगा। ओ गलतफहमी के पेशेंट, 1,00,000 दक्षिणा मिलेगी? चिंता छोड़ो, उससे मिलो, वो 2 मिनट में सब संभाल लेगा। अरे कृष्ण शास्त्री, उस दिन तुमने डेविड को मारा था ना, उसका मामा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, वो तेरा एनकाउंटर करने के लिए तुझे ढूंढ रहा है। वो रहा काले जूते और काली घड़ी में। ये तो स्टेशन में वड़ा पाव बेचने वाला लगता है, ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थोड़ी ना है। कभी भी पुलिस वालों की हुली में मत जाना, वो अंदर से बहुत कड़क और सॉलिड होते हैं। अरे ये तो इधर ही आ रहा है, चलो निकलते हैं। हेलो हेलो, रुको रुको, तुम में से कृष्णा शास्त्री कौन है? Who is कृष्णा शास्त्री? क्या काम है? पूजा करवानी है। इसका मतलब एनकाउंटर इनकी कोड लैंग्वेज है, अब इसका कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा। सर, आपको कृष्णा शास्त्री चाहिए है ना? हाँ भाई। तो ठीक है, आप सी ब्लॉक में जाइए और चिल्लाइए सुलेमान, वो आ जाएगा। तो सुलेमान आएगा ना? कृष्णा शास्त्री आएगा। सुलेमान पुकारूंगा तो कृष्णा शास्त्री आएगा, वो कैसे? नाम बदल दिया ताकि कोई उसे पूजा के लिए ना ले जाए। सच्ची मुच्ची। सर, आजकल कॉलेज की लड़कियाँ शाहरुख खान सलमान खान पे मरती हैं। सच्ची? उनसे इंस्पायर होके इसने अपना नाम बदल दिया। अच्छी, अच्छा, मैंने भी उससे उसका असली नाम नहीं बुलवाया, तो मेरा नाम मामू नहीं, मतलब कबाड़ी राजू नहीं। सच्चा ब्राह्मण मिल ही गया। Yes, सुलेमान is here. आहा, मुख का ब्रह्म तेजी बता रहा है। नमस्कार कृष्णा शास्त्री जी। कृष्णा शास्त्री कौन है? मैं सुलेमान हूँ। जानता हूँ, सुलेमान उर्फ कृष्णा शास्त्री। अंकल, आपको गलत फैमिली हो गई है। आई एम सुलेमान, सुलेमान। हाँ, उसी तरह जैसे शिवाजी राव गायकवाड़ उर्फ सुपरस्टार सुप रजनीकांत और हमारे प्यारे यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार। मुद्दे पे मामू, मेरे लिए पूजा करवा दो। मुसलमान पूजा नहीं करता मामू। मामू किसका? मजाक कर रहे हो कृष्णा शास्त्री, ब्राह्मण होने के नाते पूजा कर सकते हो? किसने कहा मैं कृष्णा शास्त्री हूँ? मेरे दिल ने कहा, और कोई क्यों कहेगा? दिल से ही पूजा करवाओ। रुको रुको, पूजा कर दो बेटा, पुण्य मिलेगा।
दक्षिणा भी बड़ी मिलेगी। कहा ना मैं नहीं करूंगा। सुनो तो, पता है पूजा किसके घर में करनी है? अगर कतरीना के घर में करनी होगी तो भी नहीं आऊंगा। श्रीमान नरसिम्हा नायडू जी के महल में तुम्हारे वॉलेट की सेहत के लिए अच्छा होगा। मैं जानता था तुम्हारा इरादा बदल जाएगा। नोट चीज है ही ऐसी। अबे तुझे कृष्णा शास्त्री चाहिए ना, चल मैं मिलाता हूँ। पगले, बड़ों से ऐसे बातें करते हैं? मामा श्री, मैं ही कृष्णा शास्त्री हूँ। वो तो ठिठोली करना पसंद है, इसीलिए नाटक किया। आपकी पूजा तो मेरे ही हाथों संपन्न होगी। वाह वाह, तुम मान गए, मुझे जन्नत मिल गई। किसी शुभ दिन का शुभ मुहूर्त निकाल लो, पेमेंट कैश में करवा दूंगा, 20% कमीशन मेरा। सॉरी यार, तुझे पता है नरसिम्हा नायडू मेरे क्या लगते हैं? वो मेरे मामा है। सच में? ये अच्छा मौका है दो खानदानों की 20 साल पुरानी दुश्मनी खत्म करने का। इसी बहाने मैं अपनी अम्मी का अधूरा सपना भी पूरा कर लूंगा। ये बात अगर तेरे मामा को पता चली तो अच्छा नहीं होगा। कुछ भी कर सकता हूँ अम्मी की खुशी के लिए। अम्मी अम्मी सुनो तो ना। मुझे कुछ नहीं सुनना। बोला ना कुछ नहीं सुनना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स एकेडमी की बात है। क्या आप नहीं चाहती कि मैं जीत जाऊं? अरे मैंने ऐसे कब कहा? ठीक है, आपको खुशी नहीं होगी, मेरी खुशी के लिए तो हाँ कीजिए। इनसे पूछो। अबाजान, आप तो हाँ कीजिए। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है, तुम जीत कर आना। 100% मैं ही जीतूंगा। ऑफ साइड बराबर है, लेफ्ट साइड थोड़ा वीक है, तू थोड़ा राइट हो जा भाई। ये पिच थोड़ी नीच लग रही है। भगवान मेरे बॉल से मेरे पिताजी को बचा। सोनावत, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। ठीक है। अरे बॉल को इतना मत घिस वरना छोटा हो जाएगा, फिर क्या टमाटर से खेलेगा। चल अब जल्दी से बॉल डाल और संभल कर धोती छूट ना जाए। ये क्या कह रहे पिताजी? पिताजी मेरी बॉलिंग देखकर ब्रेटली ना ब्रेड मांगने चला जाता है। You wait and watch. शुक्लाम वरम धरम देवम शची वरणम चतुर्भुजम। आप तैयार हैं? वदनम ध्याय सर्व विघ्नो पशान्तये। बजरंग बली उड़ा दो पापा की गिल्ली। अरे ये बॉल कहाँ चला गया? गुरुजी, मेरी धोती ने बॉल को कैच कर लिया। आप तो ये कैसे हो सकता है? मैंने तो आगे मारा था, ये पीछे से कैसे निकला? नहीं नहीं नहीं, मैं आउट नहीं हूँ। उसने हाथों से नहीं पैरों से कैच पकड़ा है, इसलिए मैं नॉट आउट। धोती में पकड़े तो क्या हो गया? आप आउट हो गए। पिताजी, पंडित होकर चीटिंग करते हो, बैट उसको दो। पंडित जी, 2020 खेल रहे हो? 2020 नहीं है, MT है। आजकल पूजा का धंधा ठप है, इसलिए क्रिकेट खेल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। चुप कर, क्या है यजमान, सिक्सर लगाने का मुहूर्त था इसलिए हम क्रिकेट खेल रहे थे। एक पूजा का आयोजन करना है। कैसी पूजा का आयोजन करना है? 7:30 को खत्म करने की पूजा। ओहो, उसमें तो मेरी सेंचुरी हो चुकी है। लेकिन एक छोटी सी समस्या। क्या है वो? मंत्र तो आप ही पढ़ेंगे, वोट ये हिलाएगा। अच्छा समझ गया, जैसे हीरो हीरोइन फिल्मों के गाने में अपने होंठ हिलाते बिल्कुल फीलिंग के साथ। तेरी भैंस की टांग, क्रिकेट खेल रहे थे, सोचा तुम्हारा थोड़ा फायदा करवाऊं तो हमारी इंसल्ट कर रहे हो। और क्या, तू चल रहे दुनिया में बहुत पंडित। अरे रुकिए रुकिए यजमान, बेवकूफ, चुप कर और विकेट कीपिंग पे ध्यान दे। बताइए कहाँ चलना होगा? मीरपुर गाँव में, बहुत माल मिलेगा। रो क्यों रही हो, बताओ बेटा। मैं बाजार गई थी सब्जी लेने के लिए, भैया सेठ के लड़के ने उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, मैं बस किसी तरह वहाँ से भाग निकली। अल्पेश, लेकर आओ उसे यहाँ। छोड़ मुझे। तेरी इतनी जुगाड़, लेकर आओ उसको। मेरे पिताजी यहाँ के प्रधान है, समझा है? मुंह बंद कर। अरे बाप रे, अगर हमारा भांडा फूट गया तो हमारा भी यही हाल होगा। सुन ले, निकल ले। छोड़ के कहाँ जा रहा है, यहीं रुक। तेरी इतनी हिम्मत कमीने, टकला कर अभी। अरे पंडित मंडली, ये हेयर स्टाइलिंग भी करते हैं? लगता है साइड बिजनेस है। इसने बाजार में नायडू जी की नौकरानी को छेड़ा था, इसलिए इसका टकला छील रहे हैं। ओहो, और अगर घर में छेड़ा होता तो? उसके हाथ काटते थे। यहाँ नौकरानियों से दूर रहने में ही सेफ्टी है। अब आंखें फाड़ कर देखना बंद कर लगूलिंगा। आप देख रहे तो मैं नहीं देख सकता, जैसा बाप वैसा बेटा। अब कंटिन्यू। अब अपनी इस बिना बाल की खाल को लेकर जल्दी यहाँ से दफा हो जा। दोबारा ऐसी हरकत करने की जरूरत की तो चीर कर रख दूंगा। निकल। मालिक, वो पंडित जी आ गए पूजा के लिए। नमस्कार। मुंह पर सूर्य का तेज देखिए मालिक। पंडित जी आप आ गए, मालिक के सोए भाग जाग गए। सब अल्लाह का करम। अल्लाह का करम, अलग अलग नामों से जाना जाता है वो। ये पंडित अग्निहोत्री जी के सुपुत्र हैं, कृष्णा शास्त्री। नमस्कार, जी नमस्कार। नमस्कार। इन्हें झूठ से सख्त नफरत है। ये मेरे भैया हैं। पता है अम्मी, वीर नरसिम्हा नायडू। ये नायडू जी के छोटे भाई हैं और ये नायडू जी की पत्नी है। इन्हें किसी चीज की कोई कमी ना होने पाए। जी नहीं होगी, ये मेरा घर है। बेटी अपर्णा। जी पिताजी। अरे बाप रे, ये तो कबाड़ी राज की बेटी निकली, लगता है भांडा फूटेगा। ए सुल्ली माँ,
बेटी यहाँ आओ, ये कृष्णा शास्त्री है और ये छुपने वाला झुमरी तलैया का शास्त्री है। ये दोनों तुम्हारे ही कॉलेज में पढ़ते हैं। अच्छा, मेरे कॉलेज में पढ़ते हैं? मैंने तो इन्हें पढ़ते हुए कभी नहीं देखा। तुम जब कॉलेज जाती हो तो अपने आजू बाजू कुछ देखती नहीं हो, सिर्फ कानों से सुनती हो। बेटा तुमने तो इसे कॉलेज में जरूर देखा होगा। ओ ब्यूटीफुल। पिताजी, बाप तो जली हुई भजिया की तरह दिखता है और बेटी इडली जैसी गोरी, कुछ तो झोल है। एकलिंग, छोटे बच्चों के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। हमारा कंप्लीट हो गया डैडी। तो बेटी कृष्णा शास्त्री जी को नमस्कार करके उनका आशीर्वाद ले लो। अभी लेती हूँ पिताजी, आशीर्वाद दो पंडित जी। अल्लाह भला करे। ये क्या? इनका स्पेशल आशीर्वाद है। इन्होंने कहा जीती रहो और सदा सुखी रहो, आप टेंशन मत लो। अच्छा अच्छा, कॉफी लीजिए सुलेमान शास्त्री जी। यहाँ वहाँ मत देखो, कोई भी नहीं है। ये ढोंगी पंडित का रूप क्यों? अपर्णा, बस ये समझ लो कि नेकी करने निकला हूँ। जब तक कामयाब ना हो जाऊँ ये बात किसी से मत कहना प्लीज। ठीक है, मैं किसी से नहीं कहूँगी। थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक बात कहूँ, तुम ये जो नकली पंडित का नाटक कर रहे हो ना, उसका क्लाइमेक्स नहीं देख पाऊंगी। वो क्यों? क्योंकि मैं पेंटिंग कॉम्पिटिशन में जा रही हूँ ना, इसीलिए। ओह, ये तो अच्छी बात है। अल्लाह तुम्हारे साथ है बेटी। काश इस लकड़ी की जगह पर नरसिम्हा नायडू का सर होता। फिक्र मत करो बापू, बहुत जल्द ये तमन्ना पूरी होगी। ये लीजिए कॉफी। मैंने तेरे साथ जबरदस्ती की और उसकी सजा ये मिली कि नायडू ने मेरी शादी तेरे साथ जबरदस्ती करवा दी और तूने उसकी नौकरानी का हाथ जबरदस्ती पकड़ा तो उसने जबरदस्ती तेरा मुंडन करवा दिया। जबरदस्त सजा दूंगा उसे। क्या सुरीला बजाती हो तुम? ए पंडित, यहाँ क्या देख रहे हो? तुम्हारी आवाज भी कितनी सुरीली है। थैंक यू। वैसे तुम यहाँ किस लिए आए हो? हम सब यहाँ पूजा करना है। पूजा? अम्मी मुझे बुला रही हैं, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। यार सासू जी भी ना। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, नया कनेक्शन जोड़ रहा है। ना ना ना, खाली ट्राई मार रहा था। नायडू ने पकड़ा तो बाल से हाथ धो बैठेगा। प्लीज नेगेटिव बातें मत करो। जिस दिन तुम्हें भी ऐसे मिलेगी ना, उस दिन तुम्हारे मन में भी लड्डू फूटेगा।